टमाटर क्या भाव है भैया? दो चौड़ाई दे देना। मंडी से निकलते हैं और ये टोरी मैंने ले लिया है, मिर्च निब्बू और साग मैंने ले लिया जिसको चौलाई बोलते हैं। तो इतनी भीड़ लग जाती है कि ड्यूटी से जब आते हैं ना तो दिमाग खराब हो जाता है। तो भाई लोग, ऐसा है कि मैं अभी जस्ट ड्यूटी से आया हूँ और सब्जी रूम में नहीं है, तो भाई लोग मंडी में चलता हूँ सब्जी लेने और आपको मंडी दिखाता हूँ कि आखिर यहाँ की मंडी जो है कैसी है और कितनी भीड़ लगती है और कितनी प्रॉब्लम होती है रोड को क्रॉस करके जाने में। आप लोग बने रहें कंटिन्यू, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। भाई बहुत भीड़ होती है मंडी में, जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो मैं आ गया हूँ गोछी की मंडी में और सब्जी मेरे को कुछ लेना है। आप कहाँ के हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को मंडी दिखाते हैं और इसी मंडी में हम लोग सब्जी लेते हैं भाई लोग। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। टमाटर क्या भाव है भैया? इस मंडी में टमाटर अभी 120 रुपए किलो मिल रहा है। भाई यहाँ पे भी बहुत सब्जी महंगी मिल रही है भाई, बता नहीं सकते। टमाटर 120 रुपए किलो मिल रहा है, सारी सब्जियाँ भी बहुत महंगी मिल रही है भाई लोग, क्या करें, लेना तो पड़ेगा ही। देखते हैं कुछ लेते हैं यहीं पे। दो चौड़ाई दे देना। मंडी से निकलते हैं और ये टोरी मैंने ले लिया है, मिर्च निब्बू और साग मैंने ले लिया जिसको चौलाई बोलते हैं। चलते हैं भाई अब रूम को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है भाई। भाई लोग इस रोड पे ना एनी टाइम भीड़ मिलता है भाई, बता नहीं सकते यार, बड़ी मुश्किल से रोड को पार करते हैं लोग। इतनी भीड़ लग जाती है कि ड्यूटी से जब आते हैं ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। भाई अभी इसी रोड पे एक आंटी थी, उनको मैंने पार कराया था, वो बेचारी पार नहीं हो पा रही थी। फाइनली भाई लोग मैं मंडी से आ गया हूँ सब्जी लेके, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बता नहीं सकते। एक आंटी थी कम से कम 70-80 साल की और वो रोड पार नहीं कर रही थी, तो हमें बोले कि बेटा रोड पार करा दो। मैं उनके लिए थोड़ा सा रुका और रोड पार करा रहा था, बहुत भीड़ थी और जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आप यदि यहाँ के हैं गोछी के आसपास के तो कमेंट करके बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना है, तब तक आप सभी लोगों को राधे राधे। और सब्जी मैं जो लाया हूँ इसकी रेसिपी बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो बस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।